श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, अगर आप सब करके हार गए हैं तो एक बार ये उपाय जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से व्यक्ति की हर मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाती है। दोस्तों देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आज हम आपको काफ़ी अच्छे से इस उपाय के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस उपाय को आपको किस दिन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाए। दोस्तों देखिए, अगर आपके कोई ऐसी कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है और आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे टोने टोटके कर लिए, फिर भी कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय जरूर आजमाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी कामना है तो आपको इस उपाय को सोमवार के दिन करना होगा। आप किसी भी सोमवार के दिन सुबह या शाम के समय कभी भी कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए दोस्तों एक बेलपत्री लेनी है जो कि साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। साथ में आपको एक लोटा जल लेना है और उस जल में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है, ठीक है। साथ में आप दो चावल के साबुत दाने लेने हैं और एक देसी घी का दिया लेना है जिसमें आपको गोल वाली बाती लगानी है। अब देखिए, आपको इन सारी सामग्रियों को अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। वहां जाकर दोस्तों आप शिवलिंग के सामने खड़े होकर जो आपने बेलपत्री ली है उस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ पर रखें और जो कलश है कलश को बेलपत्री के ऊपर रख लें और जो उल्टा वाला हाथ है उसे आप कलश के मुंह पर रख लें, ठीक है। फिर आपको शिवलिंग के सामने अपना नाम और गोत्र बोल देना है और जो आपका उल्टा वाला हाथ है उस हाथ को आपको कलश के मुंह से उठाना है और जिस तरीके से बेलपत्री के ऊपर कलश रखा हुआ है ठीक ऐसे ही आपको पकड़कर शिवलिंग के ऊपर जल को धीरे धीरे आपको समर्पित करना है अपनी कामना को कहते हुए और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल अपने कलश में रोक लेना है और जो बेलपत्री है दोस्तों उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। देखिए, अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप बेलपत्री चढ़ाएं तो ये डंडी वाला भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए और जो पत्ती वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और फिर जो दो चावल के दाने हैं दोस्तों वो आप शिवलिंग के ऊपर छोड़ दें और अपनी कामना को कह दें। 4 सोमवार तक इस उपाय को करना होगा। आप देखेंगे आपके जो भी काम है वो काम आपके सारे बनने लगेंगे और आपको हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। बस दोस्तों इतना सा उपाय आपको करना होगा। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपको ज़िंदगी में सफलता हासिल होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।